हेलो फ्रेंड्स एंड अ वेरी वॉर्म वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। आज मैं आपके साथ प्रोटेक्ट माय बॉस का थर्ड एपिसोड शेयर कर रही हूँ। आई नो मैं काफ़ी टाइम बाद इस शो का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आते रहते थे कि दीदी आप इसका नेक्स्ट पार्ट कब अपलोड कर रहे हो। मुझे खुद को भी ये सीरीज बहुत पसंद है, खास करके इसमें के लीड एक्टर की वजह से। डॉक्टर जॉन से ही ये मेरा फेवरेट रहा है। इसकी एक्टिंग मुझे बहुत ही ज़्यादा धांसू लगती है, बट चाहकर भी मैं कॉपीराइट इशू की वजह से इस शो को कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। लेकिन फिर आप सभी की रिक्वेस्ट पर मैंने दोबारा से इस पर मेहनत किया है। होप कोई प्रॉब्लम ना आए। वेल, आज कुछ ज़्यादा ही लंबी चौड़ी इंट्रो हो गई, अब एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं एंड आई होप आपको पसंद आए। थैंक यू। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हेयोन खुद के घर से निकाल दिए जाने के बाद नोयून के साथ उसके घर पर रहने के लिए आया हुआ था, जहां वो बातों ही बातों में उस सैंडल को पेयर में रखी हुई देख लेता है। अगर आप इस ड्रामे को शुरुआत से देखे होंगे देन आपको ज़रूर इस सैंडल के पीछे की स्टोरी पता ही होगी। नोयून फटाफट से जाकर सैंडल छुपाने की कोशिश करने लगती है। इधर हेयोन ने कुछ तो देख लिया था, वो आकर इसके पैर को चेक करता है जो कि नोयून हमेशा की तरह ही फैला रखी थी, एंड फिर इससे फ्लिफोने को कहता है। जब नोयून उसकी बात नहीं सुनती तब ये खुद ही उसे फ्लिप कर देता है। अब तो जैसे वो सब कुछ समझ चुका था, कहता है यू टॉप नॉट गर्ल, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढी लिया। नोयून कहती है हाँ मैं वही लड़की हूँ, अब तो आप खुश हो ना। हेयोन कहता है इट मीन्स तुम मुझे पहचान गई थी, बट फिर भी इतने दिनों से मुझसे झूठ बोल रही थी। ये कहती है मुझे खुद भी उस दिन पता लगा था जिस दिन मैं आपके घर आई थी, बट हेयोन तो जैसे उसकी कोई बात सुनने तक को रेडी नहीं था। तभी उसकी फ्रेंड म्यूंगरेन वहाँ पर आ जाती है और उसे लगता है जैसे हेयोन उसके फ्रेंड के साथ बदतमीजी कर रहा हो। देन वो गुस्से में बॉडी बिल्डर दारा सिंह का रूप ले लेती है और बेचारे हेयोन को तो एक बॉल की तरह उठाकर पटक देती है। बेचारे बॉस की तो वाठी लग जाती है। आगे हम उसे बिगड़ी हालत में घर से बाहर जाते देखते हैं। नोयून उसके पीछे आती है, उससे माफ़ी मांगती है। इस पर ये कहता है मैं ऑलमोस्ट तुम पर ट्रस्ट करने लगा था, बट तुम तो मुझसे इतने दिनों से झूठ बोल रही थी। नोयून उससे सीरियस होकर सॉरी बोलती है और कहती है मैंने कभी भी कुछ जानबूझकर नहीं किया, सब अनजाने में हो गया। जब मुझे खुद को ये पता लगा कि सब मेरी गलती थी मुझे बहुत गिल्ट फील हुआ। मैं कैसे भी करके आपको इसके बदले में रीपे करना चाहती थी। इधर हेयोन बहुत हर्ट हुआ था सो उसे वहाँ से चले जाने को कह देता है। इसके बाद हेयोन अकेला हो गया था एंड इतना अंधेरा देखकर डरने लग जाता है। तभी नोयून उसके पास आ जाती है, उसे देखकर इससे काफ़ी रिलीफ होता है, बट एटीट्यूड में नोयून से कहता है तुम्हें परमिशन किसने दी मुझे फॉलो करने की। नेक्स्ट सीन में हमें मिस्टर चेयरमैन को दिखाया जाता है जो अपने बेटे के बारे में सोच रहे थे और उस पर हाथ उठाने की वजह से खुद पर अपसेट थे, उन्हें बहुत बुरा लग रहा था तो खुद को उसके लिए पनिश करना चाहते थे और उनकी एक ख्वाहिश आकर उनकी मॉम पूरी कर देती हैं एंड फिर उन्हें डांट लगाती हैं कि तुम्हें ऐसे अपने इकलौते बेटे को आधी रात में घर से बाहर नहीं निकालनी चाहिए थी। मिस्टर चेयरमैन की बातों से लगता है उन्हें खुद भी अपने बेटे की फिक्र है, बट शायद वो उसे समझ नहीं पा रहे थे। इधर हेयोन सो ही नहीं पा रहा था तब म्यूंगरेन को देखता है जो कंटिन्यू उसे ही देखी जा रही थी। देन उससे पूछता है क्या तुम्हें सोना नहीं है। इस पर यह कहती है सब तुम्हारी गलती है, लाइट ऑन रहते हुए हम कैसे सो सकते हैं। हेयोन कहता है लेकिन मुझे अंधेरा पसंद नहीं है,
मैं अंधेरे में नहीं सो सकता। नोयुन अपने दोस्त को शांत कराती है, उसे चुप रहने को कहती है। बाद में फिर उनके सोते वक्त म्यूंग्रेन आकर हेयोन के ऊपर ही गिर जाती है। बेचारे बॉस की तो हड्डियों पर बन आई थी। वेल, नेक्स्ट मॉर्निंग हेयोन छुप छुपा कर ऑफिस आ रहा था, बट तभी मुयोन उन्हें देख लेता है और हेयोन के कैजुअल ड्रेस को देखकर समझ जाता है कि वो अपने घर से नहीं आ रहा है। देन हेयोन उसे बताता है कि वो पिछली रात नोयुन के साथ उसके घर पर था। मुयोन इसका कुछ गलत मतलब ना समझ ले तो नोयुन उसके सामने सारा मैटर क्लियर करने लग जाती है कि वो अकेली नहीं रहती है, बल्कि उसकी एक दोस्त उसके साथ रहती है। इधर हेयोन को उन्हें बात करता देख अच्छा तो नहीं ही लगता है। आगे जब वे लिफ्ट के लिए जा रहे थे तभी बीच में हेयोन आ जाता है एंड कुछ अजीब सी हरकतें करता है। उसकी इस चाइल्डिश हरकत को देखकर दोनों ही स्माइल करते हैं। इसके बाद हेयोन न्यूज़पेपर में सियोना का पिक्चर देखकर अपना फ्लैशबैक याद करने लगता है कि कैसे वह उसे एयरपोर्ट पर छोड़कर चली गई थी, एंड इसके बारे में सोचकर आज भी उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। तभी नोयुन वहाँ कॉफ़ी लेकर आई थी एंड हड़बड़ी में हॉट कॉफ़ी हेयोन के ऊपर ही गिर जाता है। इस पर उसकी हालत देखने लायक थी। नेक्स्ट सीन में यही सबको लेकर नोयुन उसकी केयर कर रही थी, बट दो लड़कियाँ इसका कुछ और ही गलत मतलब निकाल लेती हैं। जाकर सोशल मीडिया पर हर जगह ये बात फैला देती हैं कि नोयुन ने यह जॉब पाने के लिए अपने बॉडी का यूज किया है, वो एक सेमलेस लड़की है। इन्हीं सब में ये बात भी फैल जाती है कि बार इंसिडेंट्स के पीछे नोयुन का ही हाथ था, जिस वजह से इन्हें और इनकी कंपनी सभी को इतना बड़ा लॉस हुआ। नोयुन के पीछे सारे बातें बना रहे थे पर उसे तो कुछ पता ही नहीं था। देन नोयुन को एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी मिस्टर पार्क से डांट पड़ती है एंड एट लास्ट वे इसे रिजाइन करने को कह देते हैं। इधर हेयोन को तो इस मैटर पर कोई आइडिया ही नहीं था, लेकिन नोयुन को लगता है जैसे उसे सब पता हो। इस वजह से वो गुस्सा होकर उसे क्वेश्चन आंसर करने लगती है। हेयोन को भी गुस्सा आ जाता है और वो इसे बोलता है, तुम मेरी कंपनी छोड़कर निकल सकती हो, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। नोयुन इन सब की वजह से बहुत ही काफ़ी अपसेट हो गई थी। वेल, आफ्टर दैट हमें एक मैन को दिखाया जाता है जो कुंग फू प्रैक्टिस कर रहे थे। फिर बाद में हमें पता लगता है कि ये तो नोयुन के डैड हैं, मार्शल आर्ट ट्रेंड। यहाँ नोयुन हेयोन पर का अपना सारा गुस्सा बेचारे डैड पर निकाल देती है, उनके साथ ऐसे फाइट करने लग जाती है जैसे ये उसके कोई दुश्मन रहे हों। लास्ट में बेचारे डैड को कहना ही पड़ता है कि अरे भाई, मुझ पर कुछ तो रहम करो, मैं तुम्हारा डैड हूँ, कोई दुश्मन नहीं। इधर हेयोन भी नोयुन पर गुस्सा हो गया था। देन वो लेटे लेटे नोयुन के घर पर का अपने लास्ट नाइट का फ्लैशबैक याद करता है, जिसमें इसे नींद नहीं आ रही थी तो नोयुन उसकी हेल्प करती है, कंपनी देती है, बातें करती है और मसाज भी देती है एंड लास्ट में ऐसे ही सो जाती है। हेयोन तो बस उसे यूँ देखता ही रह जाता है एंड आज भी ये उसी को ही याद कर रहा था। इधर नोयुन अपने साथ कुछ सामान लेकर आई थी, जिसमें से एक पैंट को पहनकर डैड कहते हैं ये थोड़ा अजीब तो है पर अच्छा है। वेल, आगे हमें इन दोनों बाप बेटों को बात करते दिखाया जाता है, जहां हेयोन के डैड उसे लास्ट डे मारने के लिए सॉरी बोलते हैं। हेयोन भी उनकी बात में अग्री करते हुए कहता है, हाँ मेरी भी गलती थी। फिर दोनों लोग एक दूसरे से बात करने के बाद काफ़ी हैप्पी फील करते हैं। नेक्स्ट डे नोयुन ऑफिस आती है, वो अपने साथ दो पैकेट लेकर आई थी। तभी उसे वहाँ देखकर ये दोनों गॉसिप गर्ल्स अगेन से उस पर हंसने लग जाती हैं कि कितनी सेमलेस है,
जॉब से निकाल दिए जाने के बाद भी दोबारा मुंह उठाकर आ गई। इस बार नोयून उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ने वाली थी। उन्हें टेरेस पर लेकर आती है एंड देन उनकी अच्छी खासी क्लास लगाती है। उसका कहना था अगर तुम्हें कुछ पता नहीं हो देन किसी के बारे में भी ऐसी उल्टी सीधी बातें नहीं फैलानी चाहिए। इसके बाद नोयून मुयून को अपना फेयरवेल गिफ्ट देती है क्योंकि वो इस जॉब से क्विट कर रही थी। नोयून उससे कहती है आप बहुत अच्छे हो, आप वो पहले इंसान हो जिन्होंने मेरी जैसे मीनिंगलेस पर्सन पर ट्रस्ट किया, आप सच में बहुत अच्छे हो। उससे ये सुनकर मुयून को बहुत खुशी मिलती है, अ काइंड ऑफ अच्छा लगता है। इधर चेयरमैन के सेक्रेटरी उनसे उस बार इंसिडेंट्स के बारे में बताने की कोशिश करते हैं जिसमें नोयून इन्वॉल्व थी, बट उनकी पूरी बात सुने बिना ही चेयरमैन बीच में ही उन्हें रोक कर कहते हैं पास्ट में क्या हुआ सब भूल जाओ, हमें हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचनी चाहिए। आगे उनके एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी भी उनसे सेम यही बात बोलने का ट्राई करते हैं या कहो कि बताना चाहते हैं। यहाँ पर भी मिस्टर चेयरमैन वही सेम लाइन रिपीट करते हैं कि फ्यूचर के बारे में सोचो, पास्ट में क्या हुआ वो सब भूल जाओ। इसके बाद नोयून खुद उन्हें कॉल करती है और अपने मिस्टेक्स के बारे में बताकर सॉरी बोलना चाहती है, मतलब कि इसे अपने ऊपर का बोझ हल्का करना था। लेकिन मिस्टर चेयरमैन उसकी भी कंप्लीट बातों को नहीं सुन पाते हैं एंड कहते हैं तुम सबको आज आखिर हो क्या गया है, सब एक ही बात की जिद क्यों लगाए हो, मैंने बोला ना पास्ट को भूल जाओ। नोयून को लगता है जैसे इन्हें सारी बात पता हो, इसके बावजूद वो इससे इतना नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं। नोयून बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि चलो हेड बॉस से उसे एटलीस्ट डांट तो नहीं पड़ी एंड उसे काफ़ी रिलीफ भी मिलता है। वेल नेक्स्ट नोयून को मिस्टर पार्क मिलते हैं जो उसे इस ऑफिस से निकाल रहे थे। हेयोन उनकी बातें सुन लेता है, तब उनके पास आकर कहता है ये मेरी सेक्रेटरी है आपकी नहीं, जो आप जब मन करे इसे जॉब से निकाल सकते हो, इफ़ इन केस कोई प्रॉब्लम हुई तो इसे निकालने का राइट सिर्फ मेरा है। इसके बाद नोयून उसे बताती है कि उसने ऑलरेडी रिजाइन कर दिया है, जिसे सुनकर हेयोन पूरा का पूरा शॉक्ड रह जाता है। इधर मुयून एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी से बात करता है और उनसे नोयून का रेजिग्नेशन लेटर ले लेता है। इस पर इनका रिएक्शन था आज इस ऑफिस के सारे लड़कों को हो क्या गया है, सभी के सभी उस लड़की के पीछे पड़े हैं। आगे फिर इनके सामने ही मुयून उसका रेजिग्नेशन लेटर फाड़ देता है। नोयून बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है एंड उसे थैंक यू भी बोलती है। मुयून कहता है थैंक यू तो मुझे तुम्हें बोलनी चाहिए, इतना अच्छा गिफ्ट जो दिया है। हेयोन तो बस ये सब देखता ही रह जाता है। इसके बाद हेयोन आकर अपना गिफ्ट खोलता है, खोलता तो वो हैप्पी होकर है लेकिन गिफ्ट देखकर उसका रिएक्शन था उसे मेरे लिए यही मिला था क्या, उसमें एक अजीब सा कलरफुल पैंट था। आगे मीटिंग में मिस्टर चेयरमैन हेयोन को उस कंपनी का सक्सेसर अनाउंस कर देते हैं। मुयून और उसकी मॉम दोनों ही इस डिसीजन से खुश नहीं थे क्योंकि हेयोन तो उतना कैपेबल ही नहीं था, उससे कहीं ज़्यादा मुयून बेटर था, बट मिस्टर चेयरमैन की ये फाइनल डिसीजन थी। मुयून बाहर आकर इसके लिए हेयोन को कॉन्ग्रेचुलेट करता है, वो भी थोड़े फनी स्टाइल में। फिर दोनों के बीच छोटी सी क्यूट वाली नोकझोंक होती है। इसके बाद हेयोन अचानक से सियोना को अपने सामने में देखकर हैरान हो जाता है। देन सियोना अपनी पास्ट टाइम की बातें याद कर फिर से हेयोन के साथ होना चाह रही थी, कहती है एक बार तुम ठीक हो जाओ फिर हम पहले जैसे साथ रहेंगे, बट यहाँ हेयोन अब अपनी पास्ट लाइफ में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं लग रहा था। सियोना को ये काफ़ी बुरा लगता है लेकिन वहाँ पर बोल्ड रहने का प्रिटेंड करती है, बट फिर बाथरूम में लॉक होकर इस बात पर रोने लग जाती है। पर थोड़ी देर बाद ही फुल टसन में टिप टॉप होकर बाहर निकलती है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। दूसरे साइड हेयोन अकेले बैठा हुआ अपनी पुरानी मेमोरी जिसमें सियोना उसके साथ थी को याद करता रहता है। इधर मिस्टर चेयरमैन पब्लिक सर्विस करते हुए काफ़ी इंजॉय कर रहे थे,
यहाँ उन्हें सेक्रेटरी से बातों ही बातों में एट लास्ट ये पता लग ही जाता है कि उस बार इंसिडेंस के पीछे और उनकी इतनी सारी लॉस के पीछे और कोई नहीं बल्कि नोयुन का ही हाथ था। चेयरमैन फुल एंग्री होकर घर आते हैं और इस बारे में हेयोन से क्वेश्चन करने लगते हैं। हेयोन कहता है, बट आपने तो उसे माफ़ कर दिया था ना। डैड कहते हैं, मैंने, मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। तुम एक काम करो, उसे अभी के अभी जॉब से निकाल दो, मैं तुम्हारे लिए किसी दूसरे सेक्रेटरी का बंदोबस्त करता हूँ। बट हेयोन कहता है, ये पॉसिबल नहीं है, मैं उसे नहीं निकाल सकता। डैड कहते हैं, क्यों, कहीं तुम्हें उस पर क्रश तो नहीं हो गया है ना। हेयोन कहता है, क्या आप पागल हो गए हो, मैंने ऐसा तो नहीं बोला। डैड कहते हैं, तब तुम उसे जॉब से क्यों नहीं निकाल सकते। जोश जोश में हेयोन के मुंह से निकल जाता है, क्योंकि मैं कभी कभी उसकी वजह से ये भूल जाता हूँ कि मैं इडियट हूँ। यहाँ डैड अब अपना काम निकालने लगते हैं, उन्हें लगता है अब शायद उनका बेटा सुधर जाए। सो कहते हैं, ठीक है, बट एक कंडीशन है, अब उस लॉस की भरपाई तुम करोगे। हेयोन को ना चाहते हुए भी उनकी बात माननी पड़ती है। नेक्स्ट डे पार्क में हेयोन अपनी टीम के साथ राउंड ट्रिप पर आया हुआ था, बट क्राउड देखकर वो बहुत ही काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। लेकिन नोयुन उसके साथ वहाँ पर थी, जो उसे हैंडल कर रही थी। इसके बाद दोनों वहाँ साइड पर बैठकर बातें करते हैं। नोयुन अपना बचपन याद करती हुई कहती है, जब मैं छोटी थी मेरे डैड के पास पैसे नहीं थे, जिस वजह से मैं पार्क में आती तो थी बट टिकट्स एक्सपेंसिव होने की वजह से एक भी राइड इंजॉय नहीं कर पाती थी। हेयोन को उसकी स्टोरी काफ़ी सैड लगती है, बट नोयुन अपना बचपन याद करती हुई काफ़ी खुश लग रही थी। तब हेयोन कहता है, चलो आज एक काम करते हैं, मैं तुम्हें वर्किंग पीरियड से थोड़ी देर की छुट्टी दे देता हूँ, तुम जो चाहे वो राइड इंजॉय कर सकती हो। नोयुन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, वो राइड के लिए जाने वाली थी। यहाँ नोयुन हेयोन को किसी आदमी के हवाले कर देती है और उससे इसका ध्यान रखने को कहती है कि भाई साहब प्लीज़ आप इनके साथ ही रहना। हेयोन कहता है, क्या मजाक है, मैं कोई बच्चा थोड़ी ना हूँ। नोयुन राइड इंजॉय करने चली जाती है, वो बहुत मस्ती कर रही थी। इधर हेयोन उसे नीचे से ही देखकर मुंह बनाता रहता है, उसका रिएक्शन था लाइक ये लड़की इतनी हाइट पर इतना इंजॉय कैसे कर सकती है। हेयोन उसे प्यार से देखता रहता है। दूसरे साइड सियोना मुयुन के साथ उसी पार्क में आई हुई थी, अचानक से उनकी नज़र हेयोन पर पड़ जाती है, जो नोयुन को प्यार से देख रहा था। सियोना उसे यूँ देखकर अपनी बड़ी बड़ी आंखें कर लेती है और कहती है, आखिर ये सब चल क्या रहा है और ये लड़की कौन है। उनके हैप्पी मोमेंट और इनके सरप्राइजिंग एक्सप्रेशन पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए स्टे कनेक्टेड, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन।